प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन गुरु हर राय साहिब जी, सातवें गुरु नानक। कीरतपुर साहिब में विराजमान हूं, सात संगत जी, गुरु हर राय साहिब जी के जीवन में अनेकों साखियां हैं, अनेकों घटनाएं हैं, पर मैंने आज के दिन ये साखी चुनी आप लोगों को सुनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है आज के जमाने के हिसाब से। कई लोग बहुत बड़ा पाप कर बैठते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो कितना बड़ा है और उसकी सजा क्या है, इस साखी से पता चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये लोग अनजाने में कर रहे हैं, उन्हें लगता है इससे कुछ नहीं होगा, श्रवण कीजिए। साथ में गुरु नानक, गुरु हर राय साहब जी कीरतपुर साहब में विराजमान, राजे महाराजे योद्धे बड़े बड़े लोग, मेला लगा रहता है गुरु जी के दर्शनों के लिए। कीरतपुर साहब के पास में एक छोटा सा गांव है, इतिहास में नाम आया है माई ताबो, माई ताबो। अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी है, उदास, आंखों में से आंसू भी सूख चुके हैं। ध्यान देना, ये साखी बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती। इसका पिछला इतिहास क्या है, बहुत अमीर थी, आज अकेली है, रो रही है, रोने के लिए आंसू भी नहीं है आंखों में। पूरा घर परिवार था, हवेली थी, पति था, बच्चे थे, पोतरे थे, बहुएं थी, एक एक करके सब मर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पति मर गया, बच्चे मर गए, बहुएं मर गई, एक एक को जाकर शमशान घाट में जलाकर आती है, और आज अकेली बैठी है, कोई भी नहीं बचा, पोतरे तक मर गए। सोचो उसका क्या हाल होगा कि एक एक करके परिवार में कुछ बचा ही नहीं, धन दौलत भी चली गई, अकेली झोंपड़ी में बैठी है, अपनी मौत का इंतजार कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। परेशान है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होता। किसी ने उसे कहा, तूने जरूर कोई ऐसा पाप किया है जिससे तू अनजान है। वो सोच में पड़ गई, मैंने कौन सा पाप किया है। और फिर किसी ने यह भी कहा कि अगर तुझे यहां सजा मिल रही है तो समझ ले वहां भी सजा मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो घबरा गई। तो फिर किसी गुरुमुख ने उससे कहा, घबराते क्यों हैं, पास के गांव कीरतपुर साहब चली जा, वहां पर खुद निरंकार गुरु हर राय साहब जी विराजमान है, जाकर उनके चरण पकड़ ले, वो निरंकार हैं, अगर उन्होंने बख्श दिया तो जमदूत सजाएं नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब माई ताबो जब जाने का मन में विचार लाई तो सोचा कि गुरु के पास खाली हाथ कैसे चली जाए। बहुत ही गरीब सात संगत जी, उसने क्या किया, थोड़ी सी रुई कहीं से लेके आई, चरखे में अपने हाथ से छोटी सी चादर बनाई जितनी उसकी समर्थता थी, बड़े मेहनत करके बहुत प्यारी सी छोटी सी चादर बनाई। और जिस दिन गुरु हर राय साहब जी के दर्शनों को निकलने लगी, उस दिन खुद खाना नहीं खाया, क्योंकि इतना खाना था नहीं, दो रोटियां बनाई और साथ में गुड़ के अंदर घी डालकर रोटी के ऊपर रखकर बांध कर ले चली कि गुरु हर राय साहब जी को भेटा करूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रेम भावना, खुद भूखी रही, क्योंकि अगर खा लेती तो बेटा क्या लेके जाती। चल के जा रही है, वृद्ध शरीर है, चला नहीं जा रहा। इतिहास में यहां तक लिखा है कि सूख कर काली हो चुकी है, इतने दुख सहे उसने कि एकदम सूख चुकी है, चला भी नहीं जा रहा। अब जब कीरतपुर साहब पहुंची, वहां का माहौल देखा, बड़े बड़े राजे महाराजे योद्धे अमीर आदमी लाइन लगाकर गुरु हर राय साहब जी के दर्शनों के लिए खड़े हैं, घबरा गई। एक तो गरीब, ऊपर से वृद्ध, शरीर में ताकत नहीं, चक्कर आने लगे कि मैं ये छोटी सी चादर और ये रोटी लेके गुरु साहब जी के सामने कैसे जाऊं, घबरा गई।
और थोड़ी दूर जाकर पेड़ के नीचे छिप गई, पेड़ के पीछे घबरा गई, कांप रही, सोच में पड़ी है क्या करें। और वहां तख्त पर मेरे साथ में गुरु नानक गुरु हराय साहब जी अंतर्जामी अपने तख्त से उठ खड़े हुए, प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहते हैं गरीब निवाज। गुरु को गरीब निवाज क्यों कहा जाता है? गुरु गरीब निवाज क्योंकि वो गरीबों को निवाजता है। वो नहीं देखता कि किसके पास कितनी दौलत है, वो अंदर की भावना देखता है। सारे राजे महाराजों को छोड़कर गुरु हराय सेव जी अपने तख्त से उठ के बाहर आ गए और चल कर जा रहे हैं कहां, जहां माई ताबू पेड़ के पीछे छिपी खड़ी है। घर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पास गए, हाथ फैलाकर कहते हैं माई भूख लगी है, जो हमारे लिए लाई है खाना दे। माई ताबू हैरान कांपने लगी। गुरु साथ में गुरु नानक गुरु हराय साहब जी ने उस अपने हाथों से उसे वो पोटली ली, खोली और रोटी खाने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु हराय साहब जी, धन गुरु हराय साहब जी। सबकी आवाज नहीं आई, धन गुरु हराय साहब जी, धन गुरु हराय साहब जी। अभी शब्द पढ़ रहे थे ना, सिमरो श्री हर राय, सिमरो श्री हर राय। लिखारी लिखता है जैसे जैसे एक एक बुरकी तोड़कर गुरु हराय साहब जी अपने मुख में डाल रहे हैं, वैसे वैसे जन्मों के पाप कट रहे हैं माई ताबो के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब सारा रोटी सारी खा ली गुरु हराय साहब जी ने, तो माई ताबो ने वो जो चादर लेके आई थी उनके चरणों में रख दी और बेनती की, पाशाह मुझे जमदूतों से बहुत डर लगता है, मुझे बचा लो। मुझे नहीं पता मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे ये सजा मिली है कि मेरे परिवार का एक भी सदस्य जीवित नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ, भरा पूरा परिवार था मेरा। तो गुरु हराय साहब जी ने जो बात माई ताबो से कही, सारे लोग इस बात को मन में बिठा लो, सारे लोग, हम सब अनजाने में जाने में ये पाप करते जा रहे हैं, कितनी बड़ी सजा है इस पाप की, क्या कहते हैं? कहते हैं माई तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया था तुझे जो याद भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ये उसकी सजा है। माई कहने लगी पाछा कौन सा पाप? तो गुरु हराय साहब जी कहने लगे जब तेरी शादी हुई, तेरे घर में औलाद पैदा हुई दो बार, दोनों बार लड़कियां पैदा हुई और तूने उन्हें जिंदा ही मार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं वो लोग सुन लो, कई लोग ये पाप करते हैं, उस समय पता नहीं चलता था, आजकल टेक्नोलॉजी है पहले पता चल जाता है और लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। गुरु हराय साहब जी कहने लगे तूने बच्चों छोटी बच्चियों पे तर्स नहीं किया, गुरु नानक की दी हुई दांत पे ठुकरा दिया और उन्हें मार दिया, जिंदा दफना दिया तूने उन्हें। तो गुरु नानक ने कहा तुझे ये नहीं चाहिए तो तेरा सारा परिवार भी तुझसे ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना से शिक्षा लो। जन्म साखी की भी घटना है गुरु नानक पातशाह के समय की, बहुत बड़ी सजा है साध संगत जी। अपने दो बच्चियों को मारा तो निरंकार ने उसके सारे परिवार को ही मार दिया कि तुझे ये नहीं चाहिए तो तुझे वो भी नहीं मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और नरकों में जो सजा मिलनी वो अलग। तो माई ताबो ने चरण पकड़ लिए, पाछा भूल हो गई, बख्श दो, भूल हो गई। गुरु हराय साहब जी कहने लगे तुझे बहुत कड़ी सजाएं मिलनी थी, तूने 84 भोगनी थी, नरकों में जाना था, पर तेरी श्रद्धा से लाई हुई रोटी और तेरी भावना से बनाई हुई इस चादर के लिए तेरे पर्दे हम ढकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुझे नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।